हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडुकेशन खड़ा के इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन की मार्कशीट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्कशीट ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। और इस वीडियो में बात करेंगे कि इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट बोर्ड की मार्कशीट से कितनी वैरी करती है और क्या क्या कॉन्टेंट्स मिलते हैं उसमें। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं बोर्ड के, यानी कि एज ए रेगुलर कैंडिडेट, आपको मिलती है मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आपको सिर्फ मार्कशीट मिलती है, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता है। मार्कशीट आपको अपने एड्रेस पे मिलती है, जो आप CBSE को प्रोवाइड करते हैं अपने फॉर्म भरने के समय। तो चलिए इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट को बोर्ड की मार्कशीट के साथ कंपेयर करते हैं और जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपको अलग मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में है बोर्ड की मार्कशीट और राइट में है इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट। इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट में गिन चुनकर तीन या चार चीज़ें आती हैं जो यहाँ पे डिफर करती हैं। सबसे पहली चीज़ है स्कूल। स्कूल यहाँ पे आपका जो स्कूल, जिस स्कूल से आपने बोर्ड दिया था वो स्कूल यहाँ पे नहीं रहता है, उसके जगह आपका एक स्कूल कोड आता है जो सबके लिए रहता है 99999, यानी कि 5 9s, और स्कूल नेम की जगह रहता है प्राइवेट कैंडिडेट। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि अब पीरियड फॉर इम्प्रूवमेंट का एक एब्रिविएशन यहाँ पे ऐड हो जाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे रिजल्ट की जगह यहाँ पे पास या फेल नहीं लिखा रहता, क्योंकि इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स ऑलरेडी पास रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉसेस रहते हैं रिजल्ट की जगह। और डेटेड यहाँ पे जिस ईयर में आप इम्प्रूवमेंट देंगे वो डेट आपकी मार्कशीट पे रहेगी। तो यहाँ पे तीन चार चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भरने से पहले। अब बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट मार्कशीट में क्या वेरिएशंस आती हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे दो मार्कशीट आपको दिख रही है। दोनों की दोनों मार्कशीट इम्प्रूवमेंट की ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले कैंडिडेट ने पांचों सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया, लेकिन दूसरे ने सिर्फ दो सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट में उतने ही सब्जेक्ट रहेंगे जितने सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट भरते हैं। पहले ने पांचों में भर दिया तो उसे पांचों मिल गए, लेकिन दूसरे ने सिर्फ दो में भरा तो उसे सिर्फ दो मिले हैं अपनी मार्कशीट पे सब्जेक्ट्स। और समझना यहाँ पे ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में भी इम्प्रूवमेंट भरते हैं तो आपको अपनी नई मार्कशीट में सिर्फ एक सब्जेक्ट ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा इम्प्रूवमेंट की फॉर्म भरने से पहले। अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे प्रश्न की कि सर इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब आएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CBSE ने रेगुलर कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है, तो गौरतलब है कि जल्द से जल्द प्राइवेट कैंडिडेट के भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के एंड तक इम्प्रूवमेंट के फॉर्म आ जाएंगे और आपके लगभग लगभग इम्प्रूवमेंट के फॉर्म की पूरी जो प्रोसेस है वो अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगी और आगे जो करना है आपको वो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच।